धनिया में कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, औषधीय गुण हैं, तो ये हमारा संक्रमण से लड़ने में भी फायदा देता है, भूख भी बढ़ाता है। डायबिटीज के लिए भी एंटी डायबिटिक माना जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट माना जाता है, एंटी एपिलेप्टिक माना जाता है, डिप्रेशन वालों के लिए भी फायदा करता है, स्वेलिंग कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो शरीर में उसको भी कम करता है। धनिया की तासीर ठंडी होती है तो इसलिए पेट की समस्याओं के लिए, क्योंकि पेट में अग्नि हमारे होती है, डाइजेशन का जब भी इशू हो तो धनिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आपके मुंह और गले में कोई सूजन है तो धनिया के बीज की चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे धनिये की, तो आप हमें ये बताइए कि ये किन किन बीमारियों में फायदेमंद है, धनिये के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो वंदना जी, धनिया तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने धनिया के बारे में देखा ना हो या जिस घर में धनिया इस्तेमाल ना होता हो। इतनी कॉमन चीज़ है जो कि हम रोज़ ही इसका इस्तेमाल करते हैं और धनिया के काफ़ी फायदे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसका जो बोटैनिकल नेम है कोरिएंडर बोलते हैं हम इसको, तो इसके कई बहुत सारे फायदे हैं। कोरिएंडर सैटिवम पूरा नाम जो है इसका, और संस्कृत में धनिया बोलते हैं, आम भाषा में तो हम धनिया बोलते ही हैं। तो ये दो तरह से बेसिकली यूज़ है, एक तो हरा धनिया होता है पत्तों वाला जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी इसका पानी भी बन जाता है, इसका तेल भी बन जाता है, और एक सूखा धनिया आता है जो हम मसालों में, गर्म मसाले में यूज़ करते हैं, मसालों में डाल के उसको, उसके औषधीय गुण काफ़ी हैं। और देखिए, भारतीय व्यंजनों में धनिये का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, गार्निशिंग के काम आता है। कुछ भी सब्जी बना लें ऊपर गार्निशिंग आप धनिये की करते ही हैं, हम लोग करते ही हैं। तो इसमें खास तरह का डाइटरी फाइबर होता है, सो पौधों से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हम जिसको कहते हैं, ये डाइटरी फाइबर का बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके अलावा धनिये में कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, औषधीय गुण हैं, सो पारंपरिक उपचार और खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये बहुत सारी सभ्यताओं में इस्तेमाल होता है इसका। और पूरा पौधा लिपिड का भी अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तरह का स्पेशल एसिड होता है, पेट्रोसोलिनिक एसिड, और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं कुछ इसमें, वो काफ़ी मात्रा में ये हमें मिनरल्स भी मिलते हैं और हमारे लिपिड्स को फ़ायदा आता है। और मुलायम जड़ी बूटी होती है ये, शुरुआत इसकी दक्षिण यूरोप में मिलता है, उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में भी पाया जाता है। 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक इसका पौधा बढ़ जाता है, मसाले के रूप में इसका जो मेजर काम है। एक बात और, भूख बढ़ाता है और पाचन में सुधार लाता है, तो धनिये का यहाँ इस्तेमाल है। चटनी में खूब सारा, हरे रंग की चटनी बनती है, उसमें पुदीने और धनिये का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा संक्रमण से लड़ने में भी फायदा देता है, भूख भी बढ़ाता है, तो हर तरफ से फायदा ही ज़्यादा गिना जाता है इसका। इसलिए कुछ कुछ औषधीय गुण हैं इसमें। डायबिटीज़ के लिए भी एंटी डायबिटिक माना जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट माना जाता है, एंटी एपिलेप्टिक माना जाता है, डिप्रेशन वालों के लिए भी फायदा करता है, स्वेलिंग कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो शरीर में उसको भी कम करता है, सो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। खून में लिपिड को कम करता है, दिमाग की जो सेल्स हैं हमारे उनको सेफ्टी, सुरक्षा देता है, हाई बीपी को भी कम करता है, और यूरिन की आउटपुट भी बढ़ाता है। इतने इसके फायदे हैं धनिये के। तो बात कर लेते हैं इसकी तसीर कैसी है, क्योंकि आयुर्वेद में और हमारे हिंदुस्तान में चीज़ों की तसीर का बहुत फ़ायदा है। तो धनिये की तसीर ठंडी होती है तो इसलिए पेट की समस्याओं के लिए, क्योंकि पेट में अग्नि हमारे होती है, डाइजेशन का जब भी इशू हो तो धनिये का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और इसका उपयोग हमारे सेहत के लिए। एक बात और, वेट लॉस करना आज की डेट में कौन नहीं चाहता, तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और फैट को बर्न करना चाहते हैं, इससे आपका वज़न डेफिनेटली कम हो सकता है, तो धनिये के बीज का आपने उपयोग करना है, और उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। 3 बड़े चम्मच धनिये के बीज को 1 गिलास पानी में आपने उबाल लेना है, जब पानी आधे से कम रह जाए तो इसको छानिए,
और दिन में दो बार इसका सेवन कीजिए। देखिए आयुर्वेदिक के अनुसार धनिया के बीज से बना काढ़ा हमारे ब्लड में लिपिड के लेवल को कम कर देता है और इसके बीज और पत्तियों में जो मौजूद है स्टेरॉल वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं जिससे आपका वजन बढ़ने से रुक जाता है। सो ये आपको बिल्कुल गोल्डन फार्मूला वंदना जी बिल्कुल हमने दे दिया है कि कैसे वेट लॉस के लिए आप ये काम आता है। धनिया होता है यानी कि जो धनिया के बीज होते हैं उनका क्या काम होता है, उनके क्या फायदे होते हैं? सो धनिया के बीज अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम वेट लॉस के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। इसी तरह धनिया का जो पानी बनता है उसी बीजों का ही बनता है, जो हमने तरीका बताया था कि 3 चम्मच बीज आपने डाल लेना है और पानी बॉयल करके आधा रह जाए उसको दिन में 2 बार आपने पीना है। ये थायराइड के लिए भी बड़ा काम आता है, दोनों हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों समस्याओं में आप, क्योंकि ये हार्मोन आपके हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है इसलिए थायराइड में भी ये फायदा करता है। इसमें कई हाई क्वालिटी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि थायराइड की समस्या में बहुत लाभदायक होते हैं। इसलिए धनिया का काढ़ा या धनिया की स्मूदी बना सकते हैं, जैसे हम मोजीतो या मॉकटेल बनाते हैं तो उसमें भी धनिया का बहुत इस्तेमाल होता है। अगली बार आपको मॉकटेल या स्मूदी या इसका पीने का मन हो या आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप धनिया का इस्तेमाल उसमें काफ़ी करवाएं, आप रिक्वेस्ट कर दें उनको, तो धनिया का पानी आहार के रूप में आप उपयोग करें, उसका बड़ा फायदा है। पाचन के लिए बहुत फ़ायदा है मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ एलर्जी को शांत, धनिया क्योंकि ठंडा है तो एलर्जी, स्किन एलर्जी या किसी भी तरह की एलर्जी हो तो उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। अगर आपको अर्टिकेरिया है, हाइव्स हैं, मतलब स्किन पे चकत्ते निकलते हैं मोटे मोटे, तो उसमें बड़ा फ़ायदा करता है और खुजली भी कम हो जाती है, सूजन में भी फायदा मिलता है। इसे त्वचा पर उपयोग करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच पिसे हुए धनिया को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और आप जहाँ भी प्रभावित आपका क्षेत्र है, जहाँ जहाँ निकले हुए सूजन है आपके स्किन पे, जहाँ उसको लगाइए, 10 मिनट बाद इसको आप साफ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मुंह और गले में कोई सूजन है तो धनिया के बीज की चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसको क्या करना है मैं बता देता हूँ। 1 छोटा चम्मच पीसे हुए धनिया के बीज को उबाल लें और इसको गरम गरम आप पी लें। आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ी शहद आप डाल सकते हैं और धनिया के बीज को, ये बड़ा फायदेमंद है आपके मुंह के लिए। या फिर आप धनिया के बीज को ठंडे खीरे या अजवाइन के डंठल में रस में मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। ये और किन किन बीमारियों में काम में आता है, क्या ये आंखों की किसी बीमारी में काम में आता है? बिल्कुल बिल्कुल सब जगह मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आपको बता देता हूँ। तो धनिया का जो गठिया है हमारा, रूमेटिज्म है, गाउट है, ज्वाइंट पेन्स हैं, उसमें गठिया का तेल आर्थराइटिस के लिए फायदेमंद है। तो तेल कैसे उपयोग करना है बिल्कुल आपको बता देते हैं। तो आपने, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है ना इसका, वो यहाँ गठिया में काम आ जाता है। तो आपने एक शिया बटर आता है या फिर नारियल का तेल या फिर आपकी पसंदीदा कोई भी खुशबू रहित कोई भी लोशन हो, उसमें 1/2 चम्मच छोटा धनिया के बीज का पाउडर मिलाएं और उसका लेप लगाएं। तो ये आपका मीडियम ऑयल को हमने एज ए मीडियम लेना है बेसिकली। तो ये अगर 1/2 छोटा चम्मच धनिया के बीज का पाउडर जो है वो आप लोकल यूज़ करेंगे तो गठिया में आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। इसी तरह धनिया के बीज का जो तेल है वो गठिया में भी बहुत फ़ायदा करता है। उसके लिए 1/2 चम्मच नारियल का तेल या जैतून का तेल या अंगूर के बीजों का तेल, इसमें 5 बूंद धनिया के तेल को मिला लीजिए और अपने जोड़ों पे मालिश कीजिए, तो ये काफ़ी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके फायदे मिलते हैं। आँखों में आपने मेरे से पूछा भी क्या फ़ायदा करता है, तो आँखों में खुजली, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं इसलिए आँखों में खुजली, लालिमा, सूजन, ये सबको कम करता है। धनिया के बीज में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं हल्दी की तरह, तो इसलिए ये कंजक्टिवाइटिस, जो आंखें आम हमारी लाल हो जाती हैं, जैसे आंख पर लाल होना कह देते हैं जैसे, और ये कंटेजियस है, आंख एक की लाल होगी तो दूसरे की सब, आधे स्कूल की आधे शहर की लाल हो जाती है, तो ऐसे संक्रामक रोगों से फ़ायदा करता है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो इसके लिए धनिया के बीज के काढ़े को, जो हमने पहले ही बताया आपको कि उबाल लें
से अपनी आंखों को धोना है, उस काढ़े से वॉश करना है। इसके अलावा आंखों की विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए खाली पेट प्रतिदिन आप धनिया का सेवन करें तो इससे हमारी आंखों को बड़ा फायदा मिलता है। इसी तरह साबुत धनिया का जो उपयोग है वो त्वचा के लिए किया जाता है, क्योंकि धनिया कीटाणुनाशक है, विषहरण है, टॉक्सिन्स को निकाल लेता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए एक्जिमा में, ड्राइनेस में और फंगस में ये काम करता है। इसके लिए फ्री रेडिकल्स होते हैं इसमें, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको रोक लेता है। सो ये सारे फायदे हैं आपके लिए। जैसे लूज स्किन है, झुर्रियाँ हैं, इनके भी फायदे में देता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है धनिया, तो आपकी एजिंग भी कम दिखती है उससे। बालों के लिए उपयोग जरूर मैं बताना चाहूँगा सभी बहनों के लिए। सो धनिया का जो रस है बालों के विकास में मदद करता है, बालों के झड़ने की जो समस्या है सबके गिरते हैं, अगर 100 से अधिक आपके रोजाना बाल गिरें तो ये समस्या हम मानते हैं इसको, तो इसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स काफ़ी होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं। आपने क्या करना है, पानी की कुछ बूंदों का उपयोग करके धनिया के ताजे पत्ते का पेस्ट बना लें। सो ताजे पत्ते लें, थोड़ा बहुत पानी, कुछ बूंदें सिर्फ डाल के उसका पेस्ट बना लें और शैम्पू करने से एक घंटा पहले उस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं, खोपड़ी पे, बालों की जड़ों में, ताकि वो चला जाए। और ये शैम्पू करने से एक घंटा पहले लगाना है, और हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसे कर सकते हैं, तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह आप पानी में धनिया के पत्तों को उबाल कर उसे ठंडा करके उस पानी से भी बाल धो सकते हैं, तो ये सारे धनिया के फायदे हैं। क्या हाई बीपी में भी धनिया काम में आता है? जी वंदना जी, बिल्कुल आता है हाई बीपी में काम। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो हमारी धमनियों को साफ करेगा, धमनियों को साफ करेंगे तो बीपी कम हो जाएगा। तो इस ये जड़ी बूटी जो है इससे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज एंड आयरन, ये सारा इसका सोर्स है, इसलिए ये उच्च पोटेशियम और कम सोडियम के कारण हृदय की जो हार्ट रेट बढ़ जाता है या बीपी बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। और धनिया के कारण चिंता और तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है, इसी तरह बीपी आपका कंट्रोल रखते हैं। क्या धनिया के कोई नुकसान भी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धनिया के नुकसान बहुत ही कम हैं। और देखिए, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है तो मॉडरेशन में लेनी होती है हर चीज़। बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एलर्जी की समस्या हो सकती है, और वो स्किन पे बहुत ज़्यादा अगर आप धनिया लेंगे तो स्किन पे एलर्जी कर सकता है और स्किन पे नज़र आ जाएगा आपको, तो सनबर्न की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा लें तो ही है, नुकसान तभी है। और बहुत लंबे समय तक अगर आप ले लें तो हमारा जो स्किन है उसके कैंसर के होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ, एक बात और, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात पे पूरी रिसर्च नहीं हुई। खासकर पहले 3 महीने बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और अगर आप हैबिचुअल अबॉर्शंस वगैरह जिनमें होते हैं वो तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि हाँ एक बात और, आयुर्वेद में अभी प्रूवन रिसर्च नहीं है, लेकिन शायद कहीं ये दूध की क्वांटिटी बढ़ाता है, तो लैक्टेटिंग मदर्स इसको ले सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी धनिया के बारे में। शुक्रिया आप सबका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल, तो देर किस बात की, आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।